टीवी का पॉपुलर शो इंडियाज गॉट टैलेंट एक बार फिर अपने नए सीजन के साथ दस्तक देने के लिए तैयार है। शो के जरिए दुनिया के कोने कोने से टैलेंट देखने को मिलते हैं। हाल ही में इस बात को कंफर्म किया गया है कि शो की वापसी हो रही है। दरअसल सोनी टीवी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट इंडियाज गॉट टैलेंट का एक प्रोमो शेयर किया गया, जिसने इस बात पर मुहर लगा दी है कि शो का नौवा सीजन जल्द ही हमारे बीच आने वाला है। बता दें, इससे पहले शो के जितने भी सीजन आए हैं सभी कलर्स पर ही पेश किए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब शो सोनी टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। सोनी की तरफ से वीडियो शेयर करके कहा गया है कि अब इंडिया देखेगा अपना हुनर सोनी पर। ऐसे में ये खबर फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। वहीं इसके साथ सभी के जहन में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हमें नए सीजन में पुराने जजेस देखने को मिलेंगे। हम सभी जानते हैं कि लंबे वक्त से पुराने सीजन के शो को फिल्म मेकर करण जौहर, एक्ट्रेस किरण खेर और मलाइका अरोड़ा ही जज करते हुए आए हैं। लेकिन अब जब किरण खेर कैंसर से पीड़ित हैं, तो सवाल ये है कि क्या इस शो में इस बार किरण की जगह कोई नया जज होगा। कुछ वक्त पहले तक किरण खेर हॉस्पिटल में भर्ती थी, जिसके बाद से वो अपनी हेल्थ पर काफी ध्यान दे रही हैं और आराम कर रही हैं। हालांकि फैंस किरण खेर को शो में बतौर जज सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यहां तक कि कंटेस्टेंट तक को किरण खेर काफी पसंद आती हैं। ऐसे में अगर कैंसर के कारण किरण शो का हिस्सा नहीं होती तो साफ है कि इस बार शो में उनकी जगह कोई नया जज हो सकता है। लेकिन मेकर्स की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया है। इस शो के जरिए लोगों को अपने अंदर का छिपा हुआ टैलेंट दुनिया के सामने दिखाने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, आप आने वाले इंडियाज गॉट टैलेंट के नए सीजन के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।